कल हम लोगों ने पढ़ा था रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी एनर्जी जो कि कभी खत्म नहीं होती, जिसे आप बार बार यूज कर सकते हैं, विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, जिसे आप बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, यानी सूर्य भगवान की किरणों से जो एनर्जी क्रिएट किया जाता है, विंड एनर्जी हो गया, हमने पढ़ा था ओशियन थर्मल एनर्जी, यानी कि जो ओशियन में क्रिएट किया जाता है ओशियन से, और हमने क्या पढ़ा था जियो थर्मल एनर्जी, यानी कि जो अर्थ की गर्मी से, जियो यानी कि मैंने जियो यानी कि अर्थ, थर्मल यानी कि हीट, यानी कि जो एनर्जी अर्थ के हीट से क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी, यानी कि विंड एनर्जी हो गया, एयर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया आपका, सोलर एनर्जी हो गया, जियो थर्मल एनर्जी हो गया, ओशियन एनर्जी हो गया, ये सारे एनर्जी क्या है रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि इसका आप चाहे जितना भी यूज करेंगे कभी खत्म होने वाले नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। अब देखते हैं इसमें क्या बातें बताई गई हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, एनी नेचुरल रिसोर्सेस फ्रॉम द अर्थ दैट एग्जिस्ट इज लिमिटेड सप्लाई एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इफ इट इज यूज्ड अप। ऑल्सो एनी नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेसाइज्ड बाई नेचुरल मीन्स एट द सेम रेट दैट इज कंज्यूम्ड। अब देखिए, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को अगर सिंपल से सिंपल भाषा में समझना हो तो कैसे समझेंगे, ऐसी एनर्जी जो एक समय आने के बाद खत्म हो जाती है, यानी कि आप इसे बार बार यूज नहीं कर सकते। अगर आप एक बार यूज कर लिए तो हो सकता है कि आने वाले 10 साल तक चले, फिर हो सकता है कि आने वाले उसके अगले 10 साल तक में भी फिनिश हो जाए, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो ये हमें पता रहेगा कि आने वाले समय में फिनिश हो जाएगी, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आगे इस पॉइंट पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे हमें क्या समझने की जरूरत है कि ऐसी ऊर्जा जो कि एक उसका एक होता है ना लिमिटेड सप्लाई होता है, यहाँ पे लिखा भी है कि लिमिटेड सप्लाई, और किसी चीज का लिमिटेड सप्लाई तभी होता है जब वो लिमिटेड होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये ऐसी ऊर्जा है जो एक समय बाद खत्म हो जाती है, जैसे कि कोयला ज्यादा यूज हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोयला हमेशा एग्जिस्ट करेगा, वो तो एक समय बाद जो है फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत है कि ऐसी एनर्जी जो नहीं होता है कि आने में लिमिटेड होता है, जो आने वाले समय में फिनिश हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया रिन्यूएबल एनर्जी। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे और ज्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। सबसे पहला जो एग्जाम्पल्स है वह क्या है, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के बारे में हम लोगों ने बहुत पहले भी बात किया था, यानी जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन। तो सबसे पहले ये समझिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें समझेंगे जीवाश्म क्या होता है। जीवाश्म यानी जीव का अश्म, अश्म यानी कि हड्डियाँ, यानी कि कोई भी जीव जब मरता है तो उसकी जो हड्डियाँ होती हैं उसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। और मैंने जब ये टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जो हम लोग डिस्कवरी देखते हैं, एक एपिसोड आता है, एक कार्य प्रोग्राम आता है मैन वर्सेस वाइल्ड, उसमें क्या है कि जो बियर ग्रिल्स होता है जब वो जाता है ऐसी जगह पे जाता है, माउंटेन एरिया पे जाता है या रेगिस्तान वगैरह में जाता है, तो वहां पे ऐसा तो है नहीं कि वहां पे फल वगैरह रहता है, तो क्या करता है कि जो जो मरे रहते हैं, स्पेशली जो जब रेगिस्तान में जाता है तो वहां पे देखता है कि जो मरे हुए जीव जंतु रहते हैं उसका जो है उसको भी खा लेता है, क्योंकि वहां पे सरवाइव करना है तो उसको खाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बताने का ये मतलब है कि वहां पे जो जीव जंतु जो जो उनकी अस्थियां रहती हैं उसी को जीवाश्म बोलते हैं, जीव जीवाश्म यानी जीव की हड्डियां। अब फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन क्या होता है, तो ये जीवाश्म ईंधन जैसे मान लीजिए पेड़ पर जो जीव जंतु हो गए वो मर जाते हैं जब, तो क्या होता है कि एक डिकम्पोजिशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि आने उन्हीं से जो है कोल वगैरह बन जाता है, कोल और पेट्रोलियम, यानी कि कोई भी जीव जंतु जब मर जाता है तो जब डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है तो उसके द्वारा क्या होता है कि कोल और पेट्रोलियम बन जाता है, एक लॉन्ग प्रोसेस चलता है, तो उसी को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है कोल दिया है, ऑयल दिया है, न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी होती है, यानी कि ऐसी एनर्जी जो एक समय के आने के बाद जो फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, ऐसी एनर्जी को बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, फॉसिल फ्यूल हो गया, कोल हो गया, ऑयल हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, और भी हम लोग आगे चलते हैं डिस्कस करते हैं हर एक पॉइंट को। ओके, तो
तो सबसे पहले हम लोगों के सामने जो पॉइंट आ चुका है, क्या टॉप पॉइंट है, कोल। कोल क्या है, मैंने बता दिया कि कोई भी जो जीव जंतु है जब मरते हैं तो क्या होता है, जब डिकम्पोजिशन प्रोसेस द्वारा लॉन्ग टाइम के बाद क्या होता है, वही कोल बन जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कोल इज क्रेस्ट, यानी कि जमीन के अंदर से निकलता है, टू फाइन डस्ट एंड बर्न, यानी जमीन से निकाला जाता है जिसको जलाया वगैरह जाता है, जैसा कि आप लोग हर जगह देखते भी होंगे कोयला वगैरह भी यूज किया जाता है मोस्टली जगह। तो ये मोस्टली याद रखना कि जमीन के अंदर से निकलता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, बर्निंग कोल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि जब कोल को बर्न होता है और जलता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, जब कोल बर्न होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड एसिडिक गैस दैट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। अब मैं एसिड रेन में मैं जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने ये बात बताई थी कि सल्फ्यूरिक एसिड जब एयर से रिएक्ट करती है किसके प्रेजेंस में, N2O या NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि कैटलिस्ट का काम करता है। सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, जो कि कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाता है, यानी कि रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा ये किस पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी तो हम एसिड में लोगों ने क्या पढ़ा था, जब सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2SO4, और उसी सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं एसिड रेन, यानी अम्लीय वर्षा। यानी कि जब हम कोल वगैरह को जलाते हैं तो क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, और सल्फर डाइऑक्साइड जब निकलता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि एक कैटलिस्ट है जिससे हमें क्या मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, यानी कि H2SO4 मिलता है, उसी को बोलते हैं, ठीक, H2SO4 होता है, और क्या होता है, एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा, उसी को बोलते हैं। एसिड रेन की हिंदी क्या है, अम्लीय वर्षा। हमारे जो ने और एक पॉइंट इसमें और याद रखिएगा, कोल को बोला जाता है ब्लैक डायमंड। कोल को क्या बोला जाता है, ब्लैक डायमंड, इसको बोला जाता है ब्लैक डायमंड, यानी कि कहीं कहीं ये भी डायमंड है। देखिए कोल और डायमंड में क्या है कि कोल और डायमंड जो हम मिलके मतलब कार्बन मिलके दो कोल का भी फॉर्मेशन होता है, तब ये है कि देखिए कार्बन के मॉलिक्यूल में थोड़ा सा चेंज करने पे वही डायमंड बन जाता है। मैं ये बता रहा हूँ कि कोल का जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन वगैरह का कम्बिनेशन दिया रहता है। तो सोचिए कोल वही कार्बन और हाइड्रोजन के जो एलिमेंट होते हैं उनमें थोड़ा सा चेंजिंग कर देने पर वही डायमंड बन जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि ब्लैक डायमंड किसको बोला जाता है, कोल को। कोल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक डायमंड। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्रूड ऑयल आल्सो कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को क्या बोला जाता है, क्रूड ऑयल। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है, क्रूड ऑयल। कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है, हु इज नोन एज क्रूड ऑयल। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, व्हाट इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कॉल्ड पेट्रोलियम इज इजियर टू गेट आउट द ग्राउंड देन कोल, एज इट कैन फ्लो अलॉन्ग पाइप्स, जैसा कि ये पाइप वगैरह के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जाता है। दैट दिस आल्सो मेक्स इट चीपर टू ट्रांसपोर्ट, ये मतलब ट्रांसपोर्ट में जो है आसानी से एक जगह दूसरे जगह के लिए अच्छा ट्रांसपोर्ट वगैरह इजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो ये एक प्रकार का जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट होता है कोल, और इसको हम लोग क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, और ये जो ट्रांसफर का पाइप के थ्रू जो है ट्रांसफर किया जाता है। अब आते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था और उसी चीज को मैं एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा। नेचुरल गैस जैसे कि CNG होता है, CNG का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो हम लोगों के घर जो सिलेंडर वगैरह उसमें क्या है, CNG यानी कि नेचुरल गैस वही होता है। ओके, और इसमें मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज भी कराया था कि इसमें जो मेन गैस क्या होता है, CH4 यानी मीथेन। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि नेचुरल गैस में मेन गैस कौन सा होता है, तो क्या रखना, CH4 यानी कि मीथेन। अब आते हैं यहाँ पे क्या क्या बातें लिखी गई हैं।
नेचुरल गैस प्रोवाइड्स अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड कंजप्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि वर्ल्ड का जो 20% कंजप्शन है वो किसके द्वारा भरपाई किया जा रहा है, नेचुरल गैस के द्वारा। एंड एज वेल बींग बर्न्ट इन पावर स्टेशन इज यूज बाय मेनी पीपल टू हीट देयर होम, जैसा कि पावर स्टेशन वगैरह में भी इसका यूज होता है और हमारे घरों वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है, खाना वगैरह जहाँ पे बनता है सारी चीजें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग पाइप, यानी इससे भी जो है इजी पाइप के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड गैस पावर स्टेशन प्रोड्यूस कंपैरेटिव लिटिल पोल्यूशन, ये जो है बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता, लिटिल पोल्यूशन क्रिएट करता है थोड़ा बहुत। यानी कि नेचुरल गैस क्या है कि जो भैया थोड़ा सा धीरे धीरे समझा दीजिए, बहुत स्पीड हो रही है भैया। अच्छा ओके ठीक है, हाँ ओके ठीक है बस जी ठीक ओके थैंक यू। तो नेचुरल नेचुरल गैस के बारे में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि सीएनजी होता है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसमें मेन गैस कौन सा होता है, मीथेन होता है, यानी कि CH4। और एक प्रकार का ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पॉइंट पे डिस्कस किया था, क्या पॉइंट है वो, नेचुरल गैस प्रोवाइड्स अराउंड 20% ऑफ द वर्ल्ड कंजप्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि पूरे विश्व का जो एनर्जी कंजप्शन है उसका 20% कहाँ से आता है, नेचुरल गैस से आता है। एंड एज वेल एज बीइंग बर्न्ट इन पावर स्टेशन, इसका पावर स्टेशन में भी यूज होता है, यूज बाय मेनी पीपल टू हीट देयर होम, जैसे कि हम लोग अपने घरों में भी यूज करते हैं खाना बनाने में जो गैस वगैरह यूज होता है, जो सिलेंडर वगैरह में गैस रहता है, क्या है, नेचुरल गैस, ठीक है। और जो हम लोगों ने भी नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग पाइप, यानी पाइप के द्वारा जो है इसे ट्रांसपोर्ट वगैरह भी किया जाता है। एंड गैस पावर स्टेशन प्रोड्यूस कंपेरेटिव लिटिल पोल्यूशन, ये जो है लिटिल पोल्यूशन मतलब लेस पोल्यूशन रहता है, होता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं पिक्चर के द्वारा हमें क्या चीज बातें समझ में आती हैं, क्या लिखा है, लुक एट द पिक्चर एंड टेल व्हाट यू ऑब्जर्व, आप इस पिक्चर को देख के आप लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। पानी की कमी है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो बात करने वाले हैं ड्राफ्ट की, यानी जो बाढ़ सूखा वगैरह है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ड्राफ्ट यानी सूखा वगैरह। कि आप पिक्चर में देख सकते हैं पानी की कमी है, यहाँ पे आप ये वाले पिक्चर में देख सकते हैं जीवाश्म दिखाया गया है। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक क्या है, सूखा, ड्रॉट, ओके इस पिक्चर में भी दिखाया गया है सूखा जब होता है तो क्या कंडीशन रहता है, इसमें हम लोग देखते हैं ड्रॉट क्या है यानी सूखा क्या है। ए लैक आर शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर एन अनयूजुअली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन्वॉल्विंग 50% लेस देन द यूजुअल रेनफॉल ओवर 3 मंथ, यानी कि जैसे एक हर चीज का एक पैरामीटर बनाया जाता है कि मान लीजिए बारिश का इसी से रिलेटेड मान लीजिए कि एक पैरामीटर तैयार किया गया कि हाँ हर साल रेनफॉल मतलब हर साल मतलब 3-3 महीने पर जो बारिश वगैरह का मान लीजिए पैरामीटर तैयार किया गया है, तो मान लीजिए एक पैरामीटर तैयार किया गया कि 3 मंथ पे जो बारिश होती है कितना 50% वगैरह रेनफॉल की बात किया जा रहा है, लेस देन 50%, यानी कि कभी भी डॉट में हम ये समझ सकते हैं कि एक जो पैरामीटर तैयार किया जाता है कि हाँ इतने इतने मंथ के बाद इतना परसेंट बारिश होना चाहिए, तो अगर उतना परसेंट नहीं होता है तो क्या वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, सूखा के अंतर्गत, ड्रॉट के अंतर्गत। यानी कि कोई भी चीज़ एक अगर पैरामीटर सेट किया गया है तो अगर वो पैरामीटर में उतना परसेंट बारिश नहीं हो पा रही जितना बताया गया कि हाँ इतने समय में 4 महीने बाद बारिश होना चाहिए और कितना एक परसेंटेज भी डिसाइड किया जाता है हाँ इतना परसेंट होना चाहिए, तो अगर उस क्रिटेरिया को अगर फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो एक क्या कंडीशन बनता है, सूखा का कंडीशन बनता है। अगर प्रैक्टिकली तरीके समझे तो देखेंगे कि सूखा यानी कि पानी का अभाव हो जाना, तो ये सारी चीज़ें हैं। आजकल आप देख भी रहोगे कि अलग अलग जगह सूखा वगैरह है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। ओके हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन, किसका इंट्रोडक्शन करेंगे, लैंडस्लाइड के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्या है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं सबसे पहले एग्जांपल दे दूंगा तो उससे चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। तो लैंडस्लाइड क्या है कि जैसा कि आप लोग देखेंगे जब केदारनाथ में जो आया था बहुत बड़ी त्रासदी आई थी, डिजास्टर आया, तो क्या था,
वो भी एक प्रकार का लैंडस्लाइड ही था, उसमें बहुत सारे लोग बह गए थे। तो अब देखिए लैंडस्लाइड के क्या क्या कारण होते हैं। लैंडस्लाइड में जैसे कि एक अर्थक्वेक भी होता है, अर्थक्वेक भी के द्वारा भी लैंडस्लाइड आता है। और जो केदारनाथ में आया था उसमें क्या था कि एक्सेसिव नहीं तो रेनफॉल हो गया था, अत्यधिक वर्षा हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ था लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड को अगर हमें प्रैक्टिकली रूप से समझना है, सिंपल तरीके से समझना है, तो आप केदारनाथ का एग्जाम्पल ले लीजिए। उसमें क्या हुआ था, लैंडस्लाइड में मिट्टी वगैरह बह गई था, बह गया था। तो यानी कि जब मिट्टी वगैरह अपने जगह पे स्थिर न रहना, उसका बह जाना, उसी को बोलते हैं लैंडस्लाइड। अब देखिए उसी बात को जो अभी हम लोगों ने सिंपल तरीके से पढ़ा, उसी बात को यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नहीं तो फिजिक्स के टर्म में लिखा है। तो क्या लिखा है फिजिक्स के टर्म में, लैंडस्लाइड इज डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक। यानी कि जब मैंने अभी बताया ना कि लैंडस्लाइड में एक प्रकार से भी अर्थक्वेक के द्वारा, क्योंकि मोमेंट ऑफ क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक, रॉक का मोमेंट कहाँ पे होता है, अर्थक्वेक में ही होता है। यानी कि ये भी एक प्रकार का अर्थक्वेक होता है, जिसमें या फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है डेबरिस। डेबरिस यानी कि जो मलबा वगैरह नहीं होता है, जो मलबा यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा केदारनाथ में जब आया था, तो मलबा वगैरह यानी कि जो घर वगैरह का गिर जाना, उससे उसका जो अवशेष बढ़ता है, उसी को बोलते हैं मलबा। डेबरिस आर अर्थ डाउन द स्लोप व्हेन द शियर स्ट्रेस एक्सीड्स द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। यानी कि जब जो मिट्टी का मलबा वगैरह यानी कि जो मिट्टी वगैरह है वो अपने जगह से मूव कर जाती है, स्लाइड कर जाती है, क्रीप कर जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो आसपास के जो एरियाज वगैरह रहते हैं, जो घर वगैरह रहते हैं, उनका गिर जाना, उनके गिरने के बाद जो मलबा वगैरह बचता है, ये पूरा प्रोसेस किसके अंतर्गत आता है, लैंड स्लाइड के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कुछ टर्म लिखे गए, एक तो लिखा गया सीयर स्ट्रेस और दूसरा लिखा गया सीयर स्ट्रेंथ। तो एक एक पॉइंट को समझे कि वास्तविक सीयर स्ट्रेंथ क्या है। सीयर स्ट्रेस को पहले समझते हैं, ये फिजिक्स का कांसेप्ट है। सीयर स्ट्रेस में क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए आप खड़े हैं, ठीक है, आप खड़े हैं और मैं पीछे से आपको प्रेशर पुश कर रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए, तो मैंने आपको धक्का दिया तो आप पुश हुए, तो उसी को बोलते हैं सीयर स्ट्रेस, ठीक है। यानी कि सीयर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब मान लीजिए आप एक पॉइंट पे खड़े हुए हैं, तो एरिया एक पार्टिकुलर एरिया पे खड़े हुए हैं, तो मैं आपको पीछे से फोर्स कर रहा हूँ ना, तो उसी को बोलते हैं सीयर स्ट्रेस। अब देखिए सीयर स्ट्रेस में दो बातें बताई जाती हैं। सबसे पहले ये है कि एक तो परपेंडिकुलरली यानी नहीं था कि ऊपर से जो प्रेशर डाला जाए, और दूसरा क्या है कि पैरेलल की बात किया जाता है। जब मैं आपको धक्का दूंगा तो किसके अंतर्गत आएगा, पैरेलल मूवमेंट हो जाएगा। अगर मैं वही आपको ऊपर से यानी 90 डिग्री से ऊपर से अगर मैं आपको धक्का दूं तो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल सीयर स्ट्रेस होता है। यानी कि दो बातें बताई जाती हैं सीयर स्ट्रेस में, कि एक तो आप जो पैरल किसी व्यक्ति को आप पैरल यानी कि पीछे से धक्का दे रहे हो तो पैरल हो जाएगा, और एक होता है कि परपेंडिकुलर यानी कि उसके ऊपर से, यानी कोई व्यक्ति खड़ा है आप उसके ऊपर से धक्का दे तो परपेंडिकुलर के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे सीयर स्ट्रेस का मतलब आपको ये समझना है कि मान लीजिए आप खड़े हैं और मैंने आपको धक्का दिया, ठीक है। व्हेन द सीयर स्ट्रेस एक्सीड यानी ज्यादा हो जाता है सीयर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। सीयर स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, अगर सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करो तो सीयर स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि जो मिट्टी वगैरह रहती है, मिट्टी वगैरह सीयर स्ट्रेंथ में यह रहता है कि जो मिट्टी वगैरह, जैसे मान लीजिए सीयर स्ट्रेंथ में यह है कि आप खड़े हैं, मैं आपको कितना भी धक्का दे रहा हूँ आप मूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक होता है कि फिक्स हो जाना किसी पॉइंट पे। सीयर स्ट्रेंथ क्या है कि मैं कितना भी आपको धक्का दे रहा हूँ आप जो है मूव नहीं कर रहे, एक पॉइंट पे फिक्स हो जा रहे हैं। और सीयर स्ट्रेस में क्या है कि मैंने आपको धक्का दिया आपने आगे की तरफ मूव कर गए। तो यहाँ पे जो लाइन लिखा गया है व्हेन द सीयर स्ट्रेस, क्या लिखा गया है, व्हेन द सीयर स्ट्रेस एक्सीड द सीयर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। सीयर स्ट्रेस में क्या होता है कि मान लीजिए आप फिक्स है और सीयर स्ट्रेस में आप मूवमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिक्स की बात किसकी की जा रही है, यानी कि अगर कोई मिट्टी वगैरह अपने जगह पे फिक्स है, ठीक है, मिट्टी क्या अपने जगह पे फिक्स है, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा गया एक्सीड मतलब, अब देखिए सीयर स्ट्रेस का मतलब सिंपल तरीके समझिए मोशन की बात किया जा रहा है। सीयर स्ट्रेस का सिंपल मतलब क्या है, मोशन। और सीयर स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, मिट्टी, यानी कि एक जो मिट्टी फिक्स है, मिट्टी अपने जगह पे फिक्स है। तो यहाँ पे लिखा वर्ड एक्सीड मतलब कि जो है चेंज हो जाना, बढ़ जाना। अब बताइए अगर मोशन ज्यादा हो जाएगा किसी चीज में, मान लीजिए मैं आपको धक्का दे रहा हूँ अभी जितना फोर्स है आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मैंने चार लोगों को बुला के फिर धक्का दिया तो आप मूव करेंगे ना आगे की तरफ। तो वैसे ही होता है कि जब सीयर स्ट्रेस यानी फोर्स वगैरह ज्यादा हो जाता है, अर्थक्वेक से जो एनर्जी निकलती है ज्यादा हो जाती है,
तो क्या होता है, मिट्टी का कटाव होना शुरू, मिट्टी अपने जगह से मूवमेंट कर जाती है, जिसके कारण क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है। तो ये बातें इसमें बताई गई हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सीयर स्ट्रेस और सीयर स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि दोनों है क्या। एक सीयर स्ट्रेस मोशन की बात कर रहा है और सीयर स्ट्रेंथ यानी कि कोई फिक्स चीजें हैं जो अपनी जगह फिक्स है, उसकी बात किया जा रहा है। अब आते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज अर्थक्वेक, आखिर अर्थक्वेक क्या है। अब देखिए अर्थ के, अर्थ में क्या, अर्थ के अंदर बहुत सारे प्लेट वगैरह होते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़े भी हैं कि अलग अलग प्लेट्स होते हैं। तो अर्थक्वेक में जैसे हम लोग तीन बातें करते हैं, तीन लेयर की बातें करते हैं। सबसे अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं कोर। मैं छोटा छोटा एक वर्ड लिखूंगा तब हो पाएगा। सबसे नीचे वाला क्या होता है, कोर होता है, और उसके बीच वाला क्या होता है, मेंटल, ठीक है। सबसे नीचे वाला कोर, और दूसरा क्या है, मेंटल, और तीसरा क्या है, क्रस्ट। क्रस्ट यानी कि जो धरती पे रहते हैं, इसको बोलते हैं क्रस्ट लेयर, ठीक है। तो ये तीन लेयर होते हैं अर्थ के, क्रस्ट, सी फॉर क्रस्ट, एम फॉर मेंटल, और सी फॉर क्या होता है, सी फॉर कोर, एम फॉर मेंटल, और सी फॉर क्रस्ट, ठीक है। तो तीन लेयर होते हैं। अब होता क्या है कि देखिए, मेंटल का, मेंटल लेयर और ये जो क्रस्ट के बीच का वाला जो पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फेयर, यानी कि क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फेयर। इसको बोलते क्या है, लिथोस्फेयर। अब ये लिथोस्फेयर क्या होता है, इसका जो रेंज 50 किलोमीटर की मोटी परत होता है। ये कितना होता है, 50 किलोमीटर की मोटी परत होता है, और इसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, तीन प्रकार के लेयर होते हैं, एक तो होता है कोर, दूसरा होता है मेंटल, और तीसरा होता है क्रस्ट। कोर, क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या पाया जाता है, लिथोस्फेयर। ये क्या होता है, 50 किलोमीटर की मोटी परत, अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, ठीक है। ये 50 किलोमीटर की मोटी परत होता है जो अलग अलग लेयर्स में बांटा जाता है, ठीक, बांटा जाता है। और इसी के अंतर्गत क्या आता है, टेक्टोनिक प्लेट। इसी के अंतर्गत क्या आता है, टेक्टोनिक प्लेट। इसी के अंतर्गत आता है टेक्टोनिक प्लेट। एक तो अब होता क्या है कि हम लोग, अब अर्थक्वेक क्यों आता है, टेक्टोनिक प्लेट आपस में मूव करती हैं, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट का आपस में मूव करने से ही क्या क्या होता है, अर्थक्वेक जो है क्रिएट होता है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे ना कि जब मान लीजिए आपके घर में बहुत सारा बर्तन वगैरह रखा है, सिस्टमेटिक तरीके से रखा गया है, एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, अब आप मान लीजिए कि एक को निकालेंगे तो उससे जो है अलग अलग डिस्टर्ब होंगे ना, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ऐसे ही जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, मतलब उसमें अलग अलग प्रोसेस भी होता है। बट यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि टेक्टोनिक प्लेट का आपस में डिस्टर्बेंस हो जाना, आपस में उनका मूवमेंट हो जाना, जिसके कारण क्या होता है, अर्थक्वेक की सिचुएशन उत्पन्न होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। द रिजल्ट ऑफ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट दैट क्रिएट सिस्मिक वेव्स। अब देखिए, मैंने बताया कि टेक्टोनिक प्लेट का जब आपस में मूव करते हैं, यानी उनके बीच में जब एक नहीं होता है, घर्षण होता है, आपस में उनके बीच वाइब्रेशन क्रिएट होता है, आपस में जब एक दूसरे से टकराते हैं, तो उससे क्या होता है कि अब ये बताइए, जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो एक ऊर्जा तो क्रिएट होगा ना, एक वेव तो क्रिएट होगा ना। जैसा कि अगर शांत जल है, अगर उसमें आप एक पत्थर फेंकेंगे तो उसमें भी तो डिस्टर्बेंस होगा। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब टेक्टोनिक प्लेट का आपस में मूवमेंट होता है, तो उससे क्या होता है कि एक वेव क्रिएट होता है, उसी को सिस्मिक वेव बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव। यानी कि जब आपस में प्लेट जब जो है टकराते हैं अर्थ के अंदर, टेक्टोनिक प्लेट, उससे क्या क्रिएट होता है, वेव क्रिएट होता है, उसी को बोलते हैं सिस्मिक वेव। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, द रिजल्ट ऑफ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट दैट क्रिएट सिस्मिक वेव। अब देखिए, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट जब मूव किया, तो हुआ क्या कि फिर वेव क्रिएट हुआ। कौन सा वेव क्रिएट हुआ, सिस्मिक वेव क्रिएट हुआ। अब सिस्मिक वेव क्रिएट हुआ तो फिर ये पूरा प्रोसेस किसके अंतर्गत आ गया, अर्थक्वेक के अंतर्गत आ गया। यानी कि जब अर्थ के प्लेट आपस में टकराते हैं, तो उससे एक वेव क्रिएट होता है, जिसको बोलते हैं सिस्मिक वेव। उसके कारण जो कंपन वगैरह क्रिएट होता है, जो साइफेक्ट पे हम लोग देखते हैं कि सब नहीं होता, घर वगैरह हिलने लगता है, ये सारी चीजें किसके क्या हो गया, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, ठीक है। आपको याद रखना है कि टेक्टोनिक प्लेट का जब आपस में मूवमेंट होता है, उसी को बोलते हैं अर्थक्वेक।
इसमें कुछ चीज और बतानी है, जैसे इसमें दो बातें बताई जाती हैं, एक वर्ड आता है फोकस। फोकस क्या है? इसमें एक वर्ड आता है फोकस, वह होता है जहां से अर्थक्वेक क्रिएट हुआ है, मतलब जहां हर एक चीज का एक ओरिजिन होता है ना, तो ओरिजिन पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक। फोकस में क्या होता है कि जहां से उसका ओरिजिन हुआ है, अर्थक्वेक का जहां से ओरिजिन हुआ है उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, फोकस। मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ से मैं दिखाने का प्रयास करूँ पिक्चर उधर, कि यहाँ पे मान लीजिए फोकस है, 1 मिनट, यहाँ पे मान लीजिए फोकस है, ठीक। तो यहाँ से अर्थक्वेक जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक। अब मान लीजिए ऊपर की तरफ गया, तो ऊपर में जहाँ पे जो पहला सरफेस है, जहाँ पे ये इफेक्ट करेगा, तो जहाँ से क्रिएट हुआ उसको तो हम लोग बोलते हैं फोकस, जहाँ से क्रिएट हुआ उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। और जहाँ पे अर्थ में, यानी कि जहाँ पे पहली बार मतलब टच करता है, यहाँ अर्थ को प्रभावित करता है ऊपर आके, यानी क्रस्ट वाले पार्ट पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो पहला पॉइंट होता है यहाँ पे, उसी को हम लोग बोलते हैं ईपी सेंटर। उसी को क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर। उसको बोलते हैं ईपी सेंटर, यानी कि जहाँ से क्रिएट हुआ उसको फोकस। और ये जब ऊपर जाता है, जहाँ पे पहला पॉइंट है, जहाँ पे ज्यादा, ऐसे सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं, जहाँ पे ज्यादा हार्म करता है, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल दूँ, जैसे मान लीजिए नेपाल में आया भूकंप, ठीक। तो नेपाल में आया तो जहाँ से भूकंप क्रिएट हुआ उसको, तो जहाँ से उसका ओरिजिन, उसको हम फोकस बोलते हैं, बट नेपाल को हम ईपी सेंटर बोल सकते हैं। और इंडिया वगैरह में आया, मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि जो है नेपाल में जो है अर्थक्वेक आ रहा है तो बाकी उससे रिले मतलब भारत में उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। नेपाल में आता है तो जहाँ पे वो आता है, जहाँ पे ज्यादा क्षति पहुंचाता है, उसी पॉइंट को बोलते हैं ईपी सेंटर। और थोड़ा बहुत इफेक्ट तो भारत पे भी पड़ता है। तो मैं ये इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि जब अर्थक्वेक वगैरह जब क्रिएट होता है, जहाँ पे ज्यादा क्षति पहुंचती है उसी पॉइंट को बोलते हैं ईपी सेंटर, और जहां से उसका ओरिजिन है उसको बोलते हैं फोकस। ओके, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था सिस्मिक वेव क्या है। सिस्मिक वेव वह है कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं, तो जब दो चीजें आपस में टकराते हैं तो ये एक नियम है कि क्या होता है, एक एनर्जी क्रिएट होता है, एक वेव्स क्रिएट होता है। तो वही जो एनर्जी, वही जो वेव्स क्रिएट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? सिस्मिक वेव्स। यहाँ पे लिखा भी गया, इलास्टिक वेव्स ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ लेयर विच आर रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि जो ऊर्जा क्रिएट हुआ, दो प्लेट आपस में टकराए उसके कारण एक वेव्स क्रिएट हुआ, एक कंपन क्रिएट हुआ, एक बड़ी ऊर्जा क्रिएट हुई, उसी को बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। वेव्स यानी कि जैसा मैंने एग्जांपल भी दिया था कि जब पानी शांत जल में, आप पानी शांत जल में आप जो है जब पत्थर वगैरह फेंकते हैं, स्टोन फेंकते हैं, देखते होंगे कि पानी के जो मॉलिक्यूल के बीच जो है क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, वो क्या एक प्रकार से वेव्स ही है। तो यहाँ पे एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जब अर्थ, जब टेक्टोनिक प्लेट आपस में जब मूव करते हैं, जब उनके बीच मूवमेंट होता है, तो उससे एक एनर्जी क्रिएट होती है, एक वेव्स क्रिएट होता है, उसी को बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। अब देखिए इसको कुछ टाइप्स वगैरह दिए गए हैं, क्या क्या टाइप्स इसके, थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। सिस्मिक वेव्स क्या है? टू टाइप्स का होता है, एक तो होता है बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स यानी कि मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, ये क्या है, मान लीजिए अर्थ सरफेस है। बॉडी वेव से यानी कि अर्थ सरफेस के अंतर्गत जो जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, सिस्मिक वेव का प्रभाव जब, इसी को बोलते हैं बॉडी वेव, यानी कि ये बॉडी के अंदर होगा एनर्जी, मतलब ये इसका प्रभाव, यानी कि जो अर्थक्वेक का प्रभाव क्या है, जब अर्थ के अंदर देखने को मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? बॉडी वेव्स बोलते हैं, ठीक। और सरफेस वेव का मतलब क्या है, मान लीजिए एग्जाम्पल बता दें डायग्राम से, देखिए अर्थ के अंदर हम लोगों ने बात किया था कि बॉडी वेव्स होता है, ठीक। जब अर्थ के अंदर का जब जो अर्थक्वेक जब क्रिएट होता है, अब ये देखिए सरफेस लेवल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब ये सरफेस लेवल को प्रभावित करता है तो उसी को बोलते हैं सरफेस वेव्स। उसी को क्या बोलते हैं? सरफेस वेव्स। यानी कि जब बॉडी के अंदर जब अर्थक्वेक का प्रभाव रहेगा तो उसको बोलते हैं बॉडी वेव्स, और उसके ऊपर रहेगा तो उसको बोलते हैं सरफेस वेव्स। अब देखिए इनके भी दो टाइप्स हैं, एक तो प्राइमरी वेव हो गया, दूसरा सेकेंडरी वेव हो गया। प्राइमरी वेव क्या है कि मान लीजिए अर्थ के अंदर, मान लीजिए ये पूरा अर्थ है, ठीक। अब इसके अंदर का जो नहीं होता कि अलग अलग, जैसे हम लोग डिटेक्टर वगैरह नहीं करते हैं, अलग अलग जो पहला झटका होता है अर्थ के अंदर का, जो पहला है, यानी कि प्राइमरी, यानी कि कोई चीज पहली हो, पहली बार हो, तो अर्थ के अंदर जो पहला झटका होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी वेव्स। सेकेंडरी यानी कि उसके बाद वाला, यानी कि प्राइमरी पहले रहेगा और सेकेंडरी बाद में रहेगा। मान लिया अर्थ के अंतर्गत अंदर ये भूकंप क्रिएट हो रहा है, ठीक।
यानी बॉडी वेव्स के अंतर्गत। तो ये पाला वाला क्या होगा, जो डटका रहता है उसको प्राइमरी बोलते हैं, दूसरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, बॉडी वेव्स के दो पार्ट होते हैं। सरफेस वेव्स क्या होता है, एक तो रेली वेव्स होता है, रेली वेव्स आगे भी कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे रेली वेव्स, और एक होता है लव वेव्स। लव वेव्स ये दो प्रकार के हैं, और देखा जाए सबसे ज्यादा हार्मफुल इन्हीं को माना जाता है, क्योंकि ये सरफेस लेवल को, सरफेस यानी कि क्रस्ट लेवल, क्रस्ट लेयर। हम लोगों ने तीन लेयर के बारे में पढ़ा था, क्रस्ट, कोर, सबसे नीचे क्या होता है कोर, उसके बीच में क्या होता है मेंटल, और तीसरा क्या होता है क्रस्ट। क्रस्ट यानी कि जहां पर हम लोग रहते हैं, ये यानी कि सरफेस को प्रभावित करता है, यानी ये सबसे डेंजरस होता है, आर वेव्स और एल वेव्स। ठीक है, आगे हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए, हम लोग साथ में समझते चलेंगे कि इसका मतलब क्या है। आर वेव्स और एल वेव्स के बारे में दिया गया है कि आर यानी कि रेली वेव्स और एल यानी कि लव वेव्स। लव यानी कि इसका नाम लव कहाँ से पढ़ा है, पढ़ा इसको, इस वेव को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनको बोला जाता है हुड लव, उनका नाम था हुड लव, तो वहीं से इसका नाम जो है लव वेव पड़ा उनके नाम पे। तो रेली वेव्स क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि जब सिस्मिक वेव वगैरह क्या कैसे क्रिएट होता है, कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जो है रगड़ खाते हैं, या उनके बीच जब होता है ना कि वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उनके बीच जब टकराहट होती है, उसी से क्या होता है कि एनर्जी क्रिएट होती है जिसके द्वारा सिस्मिक वेव होता है। तो यहाँ पे रेली वेव्स और लव वेव्स के बारे में कुछ बातें बताई गई है। डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द लव वेव डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पे अलग अलग वेव्स होती है, इनका वर्क बताया गया कि ये रेली वेव जो है परपेंडिकुलरली मूव करेगा, अर्थ सर्वे परपेंडिकुलरली मूव करता है, और ये क्या है पैरेलल मूव करेगा, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं पैरेलल मूव करेगा। ये याद रखिएगा दोनों अर्थ सरफेस पे सबसे ज्यादा डेंजरस यही होते हैं, एक तो एक क्योंकि वेव है, वेव का वेव को आप लोग देखते होंगे कि एक परपेंडिकुलर वेव मूव करती है और पैरेलल भी वेव मूव करती है। तो रेली वेव में क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर मूव करेगा, और लव वेव में क्या होता है कि ये जो है पैरेलल मूव करती है। सेकेंड पॉइंट क्या है, रेली वेव इज स्लोवर होता है, ये स्लोवर होता है, लव वेव इज फास्टर होता है, ये फास्टर होता है। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है, ग्राउंड मूव इन सर्कुलर मोशन, इसमें क्या है ग्राउंड जो है सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, और इसमें क्या है हॉरिजेंटली शिफ्ट हो जाएगा, हॉरिजेंटली शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा, बट माइंड में ये रखना है कि रेली वेव क्या होता है और लव वेव दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, सरफेस वेव के अंतर्गत आते हैं, और इन्हीं दोनों को सबसे ज्यादा डेंजरस बोला गया है, सबसे डेंजरस जो है यही दोनों, क्योंकि सरफेस लेयर, सरफेस पे यानी कि जो है क्रस्ट पे वर्क करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज हरिकेन, ये क्या होता है, हरिकेन का मतलब क्या होता है, हरिकेन का मतलब होता है तूफान। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ओशियन, ओशियन में कभी कभी क्या होता है कि जो है वार्म एयर के कारण क्या होता है, मान लीजिए हवा वार्म है, ठीक, गर्म वार्म एयर के कारण क्या होता है कि जो ओशियन का जो है तो वाटर होता है ऊपर की तरफ, अब ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, ड्यू टू वार्म एयर यानी गर्म हवा के द्वारा क्या होता है कि इस ओशियन का जो पानी होता है अपर की तरफ मूव करने लगता है। तो इसके कारण क्या होता है कि चारों तरफ जो है एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इसके कारण क्या होता है कि एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट होता है उसके बाद क्या होता है कि आसपास के जो सराउंडेड एयर है, सराउंडेड एयर जो है इसको नहीं होता कि इसको अंदर इंटर करती है, मतलब इसको बैलेंस करने का प्रयास करती है। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल देके बताऊंगी, जैसे होता है ना कि अगर आप तेल वगैरह गर्म कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या पानी को डालेंगे, तो एक होता है ना कि दोनों के बीच में द्वंद क्रिएट हो जाएगा, दोनों आपस में अपोजिट अपोजिट हैं। तो वैसे यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन होती है कि एक तो क्या है कि एक तो मॉइस्ट वार्म एयर के कारण क्या होता है कि जब अर्थ का जल, ओशियन का जल जब ऊपर की तरफ जाता आता है तो फिर क्या होता है कि लो, उसके कारण क्या होता है कि लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो जैसे आस पास की जो हवाएं हैं वो क्या करती हैं कि इसके अंदर मूव करने लगती हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे ही मूव करेंगी यानी कि समुद्र के ओशियन का जो जल उसके अंदर मूव करेंगे तो इससे क्या होता है कि एक होता है द्वंद क्रिएट हो जाता है दोनों में आपस में। तो ये नहीं होता है सर्कुलर टाइप का पानी का एक होता है ना कि बन जाता है सर्कुलर टाइप का, एक मोशन टाइप का बन जाता है सर्कुलर मोशन की तरह, जो बहुत ऊंचे ऊंचे लहर की तरह बन जाता है चक्रवात की तरह। तो ये इसका प्रोसेस है, यानी कि स्पेशली जो है
ओशियन के अंदर का जो गर्म हवाएं हैं उनके द्वारा ये बनता है, उनके द्वारा ये पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ए हरिकेन इज एन इंटेंस रोटेटिंग स्टॉर्म, एक प्रकार से स्टॉर्म होता है ये भी, डैट फॉर्म्स ओवर द ट्रॉपिकल ओशियन, ट्रॉपिकल ओशियन वगैरह में होता है स्पेशली, ठीक है। ट्रॉपिकल यानी उष्णबंधी, अलग अलग ओशियन वगैरह है, ट्रॉपिकल ओशियन हो गया, यानी कि एक प्रकार का ये भी स्टॉर्म है, चक्रवात है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि इस कैसे क्रिएट होता है, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। वार मेयर के कारण क्या होता है, जो समुद्र का जल होता है क्या होता है, अपवर्ड की तरफ मुख करेगा, समुद्र का जल जो अपवर्ड की तरफ मुख करेगा, ठीक। तो इसी के कारण क्या होगा कि लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट होगा तो आसपास के जो एयर है, सराउंड है, इसके अंदर जैसे मूव करने लगेंगी लो प्रेशर का है। तो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था पानी और जल वाला, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है कि दोनों की का नेचर अलग अलग होता है। तो सेम वैसे ही जब ये सराउंडिंग एयर जब जाता है पानी के अंदर तो दोनों का नेचर अलग अलग होने के कारण क्या है, दोनों के बीच में तंत्र क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण पानी का एक सर्कुलर जो है एक शेप बन जाता है, जो कि बहुत भयानक रहता है। आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, सर्कुलर टाइप का बना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं हरिकेन, यानी कि तूफान बोलते हैं इसी को। हरिकेन इज ए इंटेंस रोटेटिंग स्टॉर्म, एक स्टॉर्म होता है, डेट फॉर्म्स ओवर ट्रॉपिकल ओशियन, स्पेशली ओशियन वगैरह से में ये होता है। हरिकेन इज ए स्पेसिफिक रीजनल नेम, हर जगह का अपना एक रीजनल नेम होता है, मतलब अलग अलग ओशियन में अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम बताया जाता है। इन जनरल दीज स्टॉर्म आर ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन विंड, ट्रॉपिकल स्टॉर्म यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय जगह से में जो है हवा का कितना स्पीड है, 74 mph है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन यानी कि ट्रॉपिकल एरिया यानी उष्ण कटिबंधीय जगह पे जब नहीं होता है कि जब चीजें ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाए, मतलब ज्यादा सिचुएशन टफ हो जाए, उस समय एयर की कंडीशन क्या है। हरिकेन का स्पीड क्या होता है, 74। तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा ये सारी चीजें। तो हरिकेन भी एक प्रकार का क्या है, स्टॉर्म है, हरिकेन यानी कि तूफान। आज का लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन वगैरह ले लेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ मूवमेंट, यानी अर्थ में हम लोगों ने भी मूवमेंट वगैरह पढ़ा, तो उसमें अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं जिनको यहाँ पे बताया गया है क्या क्या मूवमेंट्स हैं। ऑल मूवमेंट ऑफ लैंड मासेज आर रिफर्ड एज लैंड स्लाइड के रूप में, जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। बट डिफर इन मेनी रिस्पेक्ट, दे आर ऑल टाइप्स ऑफ लैंड स्लाइड आर कैटेगराइज एज अर्थ मूवमेंट, दीज क्लासिफाइड एज। तो यहाँ पे कुछ अर्थ मूवमेंट के बारे में बताया गया है जिसको आप एक बार देख लीजिएगा। पहला अर्थ फ्लो दिया है, सॉलिफ्लेक्शन यानी कि सॉयल का जो अपने जगह से मूव कर जाना, सॉलिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जो मिट्टी का अपने जगह से दूसरे जगह चेंज हो जाना यानी बह जाना, सॉलिफ्लेक्शन हो गया। क्रीप यानी कि सरकना वगैरह होता है, रेपिड फ्लो होता है, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसको आप एक बार देख लें। लैंड स्लाइड के अंदर क्या क्या आता है, डेब्री स्लाइड और स्लम्प, जैसे कि मैंने बताया था कि जब घर वगैरह गिर जाते हैं तो उनका जो मलबा, उनका जो अवशेष रहता है उसको डेब्रीज बोलते हैं। रॉक फॉल्स होता है, रॉक स्लाइड्स होता है, ये सारे कुछ पॉइंट है जिसको ध्यान रखिएगा। और इसमें दिया है सब्सिडेंस का मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की कमी, प्लास्टिक फ्लो वगैरह हो गया, कोलैप्स हो जाता है। यहाँ पे कुछ हर मूवमेंट दिए गए जिसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुनना, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप एक बार पूछ सकते हैं, जो बातें आपको नहीं समझ में आई, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर, तीन लेयर होती है, वो कौन कौन सी होती है, एक बार बता दीजिए। देखिए, हमने तीन लेयर के बारे में बात किया था, होता है उसको बोलते हैं कोर, ठीक। और उसके बीच वाले को बोलते हैं मेंटल, और जो सबसे ऊपर जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या होता है, लिथोस्फेयर, ठीक है। लिथोस्फेयर कितना होता है, ये 50 किलोमीटर की मोटी परत होता है, इसमें अलग अलग, इसको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, और यहीं पे टेक्टोनिक प्लेट भी होता है।
और टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से जो है क्या क्रिएट होता है, सिस्मिक वेव क्रिएट होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसी को बोलते हैं अर्थक्वेक। ठीक है। सर, और किसी को कोई बातें ना समझ में आए तो जी राधिका जी ने बता दिया। स्टॉर्म वो मैंने लहर का नाम बताया सर, सीएमसी, तो स्टॉर्म नहीं आया सर, तूफान। अच्छा तूफान वाला देखिए, अब होता क्या एक बार मैं बता दे रहा हूँ। आप देखिए गर्म हवा के कारण क्या होता है कि उस आवाज आ रही है क्या भैया आपकी? आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही ना कुंदन हेलो भैया? आवाज कुंदन भैया की भैया मेरी आवाज आवाज पहुंच पा रही है? इतनी अभी ठीक आ रही है, अभी अब ठीक आ है, रही अभी है। ठीक है। ओ भैया ईयरफोन एक था ना वायरलेस वाला, स्विच ऑफ पावर खत्म हो गया था, दूसरा लगाया। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। हरिकेन के बारे में पूछा, तूफान वाला। इसमें क्या होता है कि जब हवाएं गर्म हो जाती है तो उससे क्या होता है कि समुद्र का जो जल स्तर है वो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, राइज अप हो जाता है, ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि चारों तरफ एक लो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट हुआ यानी कि कम कम दाब क्रिएट हो जाता है, इसके कारण क्या है कि आसपास की जो हवाएं हैं वो क्या करती हैं, जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ जिस एरिया में उसके अंदर जो एंट्री करती हैं उसको बैलेंस करने के लिए एंट्री, जैसे एंट्री करेंगे तो मैंने भी बताया था कि अलग अलग नेचर होता है ना, कि आप कोई जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि तेल और जल वाला, कि उसमें क्या है कि तेल और जल को आपस में आप नहीं रख सकते, उसमें क्या होता है कि जैसे रखेंगे देखिए द्वंद्व क्रिएट होने लगता है। तो ऐसे ही जब आसपास की जो हवाएं होती हैं लो प्रेशर के कारण होता क्या है कि जब वो एंट्री करती हैं उस पार्टिकुलर रीजन में उस ओशियन में, उसके कारण क्या होता है कि एक पानी का जो एक नहीं होता द्वंद क्रिएट हो जाता है, द्वंद पानी में पूरा हलचल होने लगता है। उसके द्वारा ये होता है कि एक सर्कुलर नहीं होता, सर्कुलर पानी का जो शेप होता है एक सर्कुलर तरीके से बन जाता है, जैसे कि मैंने पिक्चर में भी दिखाया था सर्कुलर तरीके से। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है उसी को बोलते हैं हरिकेन यानी कि तूफान। जी आ गया भैया, उस समय क्या आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही थी इसलिए आ गया भैया। आप ठीक है, और किसी का कोई डाउट है तो बताइए। किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, तो आज हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मैं कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह आपसे पूछ रहा हूँ, फिर इसके बाद आज की क्लास का एंड अप किया जाएगा। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है, बॉडी वेव के कितने टाइप्स हैं और उनका नाम भी बताना है। बॉडी वेव के कितने टाइप्स हैं उनका नाम बताना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉडी वेव एंड टेल देयर नेम ऑल्सो। जी कुंदन भैया जी, पुष्पा जी का पी वेव, एस वेव, ओके। और सभी लोग, अभी दो लोगों का आंसर आया है। मैं बुलाना चाहूँगा ममता जी को, कृपया वो आएँ, अगर मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं तो आएँ और बताएं कि बॉडी वेव के दो टाइप्स मैंने बताए थे उनका नाम बताइए कितने क्या क्या है। ममता जी हेलो, ममता जी क्या मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? ओके ठीक, हम लोग बढ़ते हैं जी। कुछ लोगों ने आंसर दिया भी है, कुंदन भैया ने बहुत बढ़िया बताया, पुष्पा जी का बहुत अच्छा आंसर आया, बहुत बढ़िया। और एम डी वाई ए योगा, पूजा जी आप हैं एम डी वाई ए योगा के नाम जी से? नीरज सर, जी जी हो बहुत बढ़िया, जा पूजा जी बहुत बढ़िया आपने बताया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव, बॉडी वेव के अंतर्गत दो बातें बताई गई, एक तो प्राइमरी वेव होता है और दूसरा क्या होता है सेकेंडरी वेव। बहुत बढ़िया।
पुष्पा जी ने भी बहुत बढ़िया बताया, और पूजा जी ने, कुंदन भैया ने बहुत बढ़िया बताया। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को मिलते हैं 1 रुपी। ओके, फैमिली सेकेंडरी जी, राधिका जी ने भी देखिए कितना अच्छा बताया है, बहुत बढ़िया आप सभी लोगों को। और एक चीज़ इसमें और बताना था, हरिकेन्स, हरिकेन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा अभी, तूफान, इसी को हम लोग